उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में निवास करने वाले मरीज और उनके परिजनों को दिक्कत पैदा न हो, उसी को लेकर बड़नगर के शासकीय बस स्टैंड को हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर गंभीर महामारी कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल सेंटर पर जहां बड़ी संख्या में उपचार करवाते हुए मरीजों को देखा जा सकता है। इस हॉस्पिटल की निगरानी उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और SDM बड़नगर खुद कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर और नर्स ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और यहां आने वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं बड़नगर शहर में ही निवास करने वाले डॉक्टर वासुदेव काबरा ने अपने परिवारजनों की इच्छा को मानते हुए मदद की और करीब 5000 टैबलेट, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाकर बड़नगर SDM को सौंपे, ताकि ज़रूरतमंद मरीजों का उपचार करते समय टैबलेट उपयोग में आ सके, वहीं मास्क और सैनिटाइजर भी उपयोग में आ सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे और SP साहब के द्वारा विजिट करी गई है और यहाँ पर जो SDM हैं और आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं पहले तो बड़नगर को बधाई देना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर बड़नगर के तहत ये जो बस स्टैंड को एक तरीके से पूरी तरीके से कोरोना के प्रॉपर अस्पताल में कन्वर्ट किया कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है और कोरोना से लड़ाई में ये न केवल बड़नगर के लिए बल्कि ज़िले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कई सारे पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं और एक दो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जिला स्तर से दूर की जानी है, चाहे वो रेफरल का सिस्टम हो, ऑक्सीजन का सिस्टम हो, उन लोग जिला स्तर से निश्चित रूप से उनको दूर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो एक कोरोना का अभियान चलाया गया है वो यहाँ पर भली भांति चल रहा है। और जैसा अभी SDM ने जानकारी दी कि दो व्यक्ति ऑलरेडी ये लोग ढूंढ चुके हैं जो कोरोना से ग्रस्त थे, उनको पता नहीं था, उनका 85 और 83 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल था, उनको उनकी टीमों ने ढूंढ निकाला, उनका प्रारंभिक इलाज किया और आज वो काफ़ी कुछ स्वस्थ हो गए हैं। तो दिखाता है कि हमारा ये अभियान कितना प्रभावी रहेगा। इससे न केवल संक्रमण की चेन ब्रेक होगी बल्कि जो मरीज गंभीर स्थिति में पहुँच जाते हैं उसमें भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं पूरे स्थानीय प्रशासन का, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पर उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और यही प्रयास जारी रहे। तो मुझे लगता किस प्रकार से ज़रूरतमंद और शहरवासियों की मदद हो सके उसको लेकर टैबलेट उपलब्ध कराई गई हैं और करीब किस प्रकार से मदद की गई है। अभी पेंडेमिक पोजिशन के अंदर अनएफोर्डेबल पेशेंट्स की स्थिति बहुत ख़राब थी, उन परिवारों के लिए जो कोविड सेंटर शुरू किया गया उसमें हमारे परिवार ने 5000 टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन, 5000 टेबलेट आइवरमेक्टिन, सैनिटाइजर और N90 मास्क अवेलेबल कराए हैं। कुछ ऑक्सीजन रेगुलेटर मास्क भी उपलब्ध कराए हैं और ये इस पोजीशन के अंदर ये मेरे परिवार की कर्तव्य था, उसको हमने निर्वहन किया है और इस क्षेत्र की जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा हमारे SDM महोदय का कहना था। उनका कहना था कि ये वास्तव में जो इस प्रकार की उपलब्ध कराई गई है ये पूरे ज़िले में अनूठी है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इस तरह की मदद हमेशा करते रहें। सर, जैसा कि इस दुख की घड़ी में हम सबको किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, किस प्रकार से इस बीमारी का मुकाबला कर कर हम एक बेहतर कल की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो गाइडलाइन कोरोना के लिए जारी की गई है उसका पालन करना और संभवतः जो भी मदद हो सके वो हमारे आसपास के लोगों की हमें करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।